जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जिम लीडर रॉक्सी को हराया था, और आज हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक सिटी से पोकेमॉन स्टूडियो, जहां लास्ट टाइम एक बंदे ने हमें बताया था कि हमें पोकेमॉन स्टूडियो जाना है। तो देखते हैं आज स्टूडियो क्या है, कैसा है। और भाई होप आप लोग सबको इंट्रो पसंद आया होगा। इसमें हमारे राघव अश्विन भाई हैं जिन्होंने ये इंट्रो का पूरा बेस स्ट्रक्चर तैयार किया और बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इंट्रो बनाने में। तो थैंक्स राघव भाई, आपकी वजह से इतना शानदार इंट्रो मिला हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। तो भाई लोग, अगर आप लोग नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। और भाई ये हैं मिस्टर स्टूडियो, पोकेमॉन स्टूडियो के हेड, और ये पहचान चुके हैं हमें। तो भैया भयंकर बंदा है, पॉपुलर बंदा है, डायनामैक्स नाम का, और जिम लीडर रॉक्सी को हराया है इसने। तो भाई अब अपन चलेंगे मूवी स्टूडियो में, देखते हैं क्या है कैसा है। आई थिंक हमें भी यहाँ कोई ना कोई मूवी देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि स्टार स्टूडियो है और यहाँ फिल्म्स बनाई जाती हैं। देख लो भाई, लीगल फिल्में बन रही हैं ना कि लीगल कुछ भी बना रहा है। तो भाई ये है थिएटर और यहाँ लगी हैं फिल्में, तो चले अंदर फिल्म देखने। कौन सी फिल्म होगी भाई? अच्छा, आप लोगों को कौन कौन सी मूवीज पसंद है? ये कौन? ये तो कैप्टन यार, ये रॉक्सी के दद्दू हैं। हाँ वो लड़ पड़े थे रॉक्सी से, सेलर हैं ये। तो भाई ये अपनी पहचान करवा रहे हैं, और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये वो ट्रेनर है जिसने तुम्हारी बेटी को चैलेंज करा था और उसे हरा दिया था। भाई चचा भी समझ चुके हैं कि भाई शानदार ट्रेनर है। और एक कोई सी मूवी रिलीज होने वाली है, तो ये शायद बोल रहे हैं हमें भी मूवी देखने के लिए चलने के लिए। तो चलो चलते हैं, ये हमें बताएंगे थोड़ा बहुत मूवी के बारे में क्या है कैसी है। अब यार ये लोग तो ऐसा बताएं जैसे अपने आज तक मूवी देखी ही नहीं है, लेकिन फिर भी यार ये गेम में इतना सब कुछ बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भाई आप लोगों को कौन सी मूवी पसंद आई है, मतलब कौन सी मूवीज़ पसंद है, कोई फेवरेट फिल्म का नाम तो कमेंट ही कर देना। मैं यार बॉलीवुड में मैंने कुछ टाइम पहले, अरे भाई मूवी स्टार्ट हो चुकी है, वाह यार, मतलब इंट्रो वगैरह तगड़ा दिया यार ब्राइसन मैन। चलो भाई देखते हैं क्या मूवी है, कैसी मूवी है। भाई कुछ टाइम पहले मैंने दो मूवीज़ देखी थी, जब मैं बस से जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तब अराउंड 7-8 घंटे का सफ़र था, और वहाँ उस सफ़र में मैंने दो मूवीज़ देख ली थी, बस में ही लगी थी। पहली तो थी भाई अक्षय कुमार की रिसेंट में एक मूवी आई है, वो भूत भूत बन जाता है, क्या नाम है यार उसका, लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी, ठीक ठाक थी वो, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन उसके बाद जो भाई दूसरी मूवी आई, मतलब एक सेकेंड के लिए नज़रें नहीं हटा पाए यार, भयानक मूवी थी, मस्त मज़ा आ गया था। दूसरी मूवी थी भाई गोविंदा की आंटी नंबर वन, क्या तो पिक्चर बनाई भाई, क्या तो कॉमेडी है, मतलब हर 5-10 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है, कुछ ना कुछ हंसी मजाक है, कहीं का कोई ऐसा डायलॉग मार देता है कि भाई हंस हंस के गिर जाते हैं यार। और आई मीन जो हीरोइन थी फिल्म की, उसके पीछे मतलब क्या खतरनाक तरीके से पड़ा था। स्टार्टिंग में बताता है कि भाई राजा बाबू हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और एंड में सामने वाला आके जब उसके पूरे कपड़े उतार के ले जाता है, तब भी वो बोलता है, आई मीन चड्डे में खड़ा रहता है यार, फिर भी बोलता है भाई साहब लगता है आपको कोई गलत फहमी हो रही है। और फिर कच्चे में ही वो हीरोइन के पीछे भाग जाता है, और क्या तो नाच नाच के पीछे पड़ा रहता है यार, मतलब बहुत खतरनाक मज़ा आता है यार, मस्त फिल्म थी यार, मज़ा आ गया। रिसेंट में गोविंदा की 2-4 और फिल्म देखी यार, मस्त एक्टर है यार, आजकल ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, एकदम बेकार बकवास टाइप की। वरना यार देखो तो यार एनिमेटेड देखो यार, आई मीन एनिमेटेड में मैंने कुछ टाइम पहले देखी थी ये माई हीरो एकेडमी, अगर आप लोगों ने एनिमे देखा है तो उसकी जो दूसरी मूवी आई थी भाई, वो भयानक मूवी थी यार, मस्त मूवी थी। आप लोग एनिमे देखते हो? नहीं देखते यार तो स्टार्ट कर दो, गोगो एनिमे नाम से वेबसाइट है, गूगल आप करोगे तो मिल जाएगी गोगो एनिमे, उसमें आपको सारी एनिमेटेड सीरीज़ मिल जाएंगी, मतलब जितने भी बनी हैं सबकी सब मिल जाएंगी, और सब भी मिल जाएंगी अगर आप लोग ओरिजिनल जापनीज़ लैंग्वेज प्रेफर करते हो, और अगर
इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश भी मिल जाएगी, सब्ड में ये रहता है और इंग्लिश में सबटाइटल्स आ जाते हैं। बट यार जो ओरिजिनल उनका म्यूज़िक रहता है वो यार भयंकर रहता है, मस्त मज़ा आ जाता है। अगर आप लोगों ने कालोस रीजन की सीरीज़ देखी हुई है तो वहाँ पे भी भाई मतलब जो ओरिजिनल थी जापानीज़ वाली, उसका म्यूज़िक यार भयंकर था जब ऐश ग्रेनिंजा बनता है। लेकिन जो उनने इंग्लिश में डब करी तो भाई उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो पूरा फाड़ दिया यार। जब हिंदी में आई थी कुछ कुछ जगहों पे तब तो भाई मतलब देखने लायक नहीं बची थी यार। आई मीन थी तो शानदार, बट यार जो म्यूज़िक जो जान डालता है ना वो लगभग ख़त्म हो चुका था। और भाई यहाँ पे ये हमारे सामने आ चुका है ब्राइसन, ये भी एक जिम लीडर है, शायद फाइटिंग या आइस टाइप का जिम लीडर है, ऐसे कपड़ों से देख के ऐसा लगा मुझे। और अब हमें इसके साथ कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करनी है, एक हमारा भी रोल, हमारी भी फिल्म बन रही है, होप अच्छी फिल्म बने यार, कोई गलत रोल ना दे दें ये। हालांकि नहीं देंगे यार, हीरो हैं यार अपन इस गेम के, 10 साल का बच्चा ही सही, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस गेम में और सब इतनी वाहवाही करते हैं यार, अच्छा लगता है यार। तो भाई यहाँ तो ये कुछ नहीं बोल रहा, ये हरे सूट वाले से बोलते हैं, तो ये विजुअल इफेक्ट्स वाले बंदे हैं, ये हरे कपड़े पहन के कुछ ना कुछ कैरेक्टर रोल वोल प्ले करते हैं। और यहाँ इन लोगों से बोलते हैं यार, ये तो कैमरा मैन है यार। चलो बाहर चल के ही बात करके आनी पड़ेगी आई थिंक, यहाँ तो इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वैसे भाई अगर आप लोग ब्लैक 2 खेल रहे हो तो भाई मूवी स्टूडियो में आना ज़रूरी है, वरना आपको आगे के टास्क वगैरह नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो इस बंदे से बात करते हैं, तो भाई शूटा फिल्म का बोल रहा है ये, कर लेते हैं पार्टी पोकेमोन देखते हैं क्या है। सो सॉरी, तो भाई पार्टी पोकेमोन जैसा कुछ नहीं है, रेंटल पोकेमोन नाम से है एक मूवी, तो अब उसमें अपन को एक्ट करना है। चलो ये अपनी मूवी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो भाई मूवी का पहला सीन चल रहा है, और ये ब्राइसन और ये उसका पोनियार्ड, और भाई अपन लड़ रहे हैं रियोलू से, बहुत तगड़े। लेकिन यार अपने रियोलू की लेवल 13 कैसे हो गई यार, अपने वाले की तो 17 थी ना, या फिर इनने दिया है। फोर्स पाम यूज़ करते हैं भाई, आइस पंच कैसे मिल गया अरे अपने रियोलू को, बाबा आइस पंच यार अपने रियोलू को मिल जाए तो अपन तो फाड़ दें यार, मतलब बैंड बजा दें हर फ्लाइंग टाइप जिम की, हर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की, तगड़ा है यार। चलो प्रिपेयर टू बी फिनिश्ड, चलो भाई अपन बोल रहे हैं ब्रिंग इट ऑन। तो अपन रियोलू किड हैं इस गेम में, मतलब इस मूवी में अपना नाम रियोलू किड है। और ये दूसरा सीन चालू होता है, यहाँ इसने भेजा है वलबी को, डार्क फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, तो इस पर आइस पंच यूज करेंगे, सुपर इफेक्टिव जाएगा। ओ भाई आइस पंच ने बैंड बजा दी रे वलबी की, कट, दैट माइट नॉट बी बैड। चलो भाई बहुत तगड़ा शॉट दिया अपन ने, और मूवी बन चुकी है, चलो गुड शूट। तो फिल्म भी कुछ टाइम में रिलीज़ हो जाएगी थिएटर में, अपन से पूछ रहे हैं कि रिलीज़ करनी है कि नहीं, तो चलो भाई कर देते हैं मूवी रिलीज़ थिएटर में। वाह यार, मतलब ये एक अलग से हटके चीज़ थी यार गेम, ये चीज़ आज तक किसी और गेम में नहीं देखी यार मैंने, मतलब बाकायदा थिएटर में मूवी बन रही है, ऐसा हो रहा है, फिल्म रिलीज़ हो रही है, शूटिंग चल रही है, सही है यार, मस्त है। सॉरी टू इंटरप्ट बट द टाइम, चलो भाई ये अपन को और टाइम लेने वाले थे अपना, बट पीछे जो बंदा आया उसने मिस्टर स्टूडियो को घसीट दिया, और अब वो लेके जा रहा है मिस्टर स्टूडियो को कहीं और, क्योंकि उनका जो टाइम था ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, उनको कहीं और जाना है। और हम भी यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं तक, अगली बार और धमाल मचाएंगे, और आप लोग कमेंट करवा कि कौन कौन से पोकेमॉन्स टीम में रखने चाहिए, मुझे जल्दी और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स चाहिए अपनी टीम के लिए। तो चलो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार। और अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं इस गेम के रिलेटेड या कुछ और आप बताना चाहते हो तो भाई जल्दी कमेंट करो, मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना।